सारे होम्स के एम्प्लॉयज के साथ मुलाकात की अगली कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है एक और एम्प्लॉय जो स्पोर्ट्स पार्क, सारे होम स्पोर्ट्स पार्क के लिए काम करते रहे। सर से जानना चाहेंगे कि क्या क्या उन्होंने फेस किया और क्या मुसीबतें आज वो झेल रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है और मैं सारे होम्स को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर यानी 2015 के सितंबर में और रिजाइन किया है मैंने 2 नवंबर। सर, तो यानी कि अगर आपने 2015 सितंबर में ज्वाइन किया है तो उस टाइम पे तो लॉन्च ही हुआ होगा जस्ट प्रोजेक्ट ओलंपिया? नहीं, प्रोजेक्ट ओलंपिया तो बहुत पहले से लॉन्च था। यानी तकरीबन कब से? मेरे ख्याल से 2010-11 के आसपास ये लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट, और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे यही प्रोजेक्ट बेचने के लिए ऑफर किया गया था। तो सर, आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था, क्या क्या बताया गया था उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको? देखिए, जब हमने ज्वाइन किया था बताया गया था कि ये 100% FDI कंपनी है, हमारे कंस्ट्रक्शंस अलग के बजट अलग होता है और सेल्स मार्केटिंग का बजट अलग होता है और कंपनी को कभी भी फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं कंपनी ज्वाइन करने से पहले मैं भी काफ़ी रिसर्च किया था तो ये सब बातें बताई गई थी कि कंपनी को पैसों की कभी दिक्कत नहीं होगी, 100% FDI है और हमारा कंस्ट्रक्शन का एकदम अलग बजटिंग है और सेल्स का अलग है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ बिकेगा तभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, हमारा सबका अलग अलग है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैंने चलो आगे चल के कंपनी का इस तरह से सपोर्ट ही मिलेगा मुझे। बिल्कुल, आगे बिल्कुल। तो सर, कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि आपकी आंखों के सामने आपने उस प्रोजेक्ट पर कितनी बुकिंग दी होंगी? लगभग मैंने 2 बुकिंग दी थी और जिसमें से एक क्लाइंट का मेरा पैसा जो है करीब 4.5 लाख रुपये फंसा हुआ है। 4.5 लाख। सर, आपने देखा होगा कि तकरीबन 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर वहाँ पर शुरुआत भी नहीं हो प्रोजेक्ट की। जी हाँ, बिल्कुल ज़मीन कोरी पड़ी। तो कभी भी आपने पूछने की कोशिश करी कंपनी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, कि मैं किसी को सैंपल फ्लैट भी रेडी नहीं है कि सैंपल फ्लैट ही दिखा दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स पार्क का कोई सैंपल फ्लैट नहीं था, हम लोग दूसरा दिखाते थे, लेकिन हम लोग अक्सर मैनेजमेंट से बात करते थे, अपने बॉस से करते थे, लेकिन ये कहा जाता था अगले 1-2 महीने में लॉन्च हो रहा है, ये हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो करते करते शायद अभी भूमि पूजन हुआ है 10-15 दिन पहले। तो जिन क्लाइंट का पैसा फंसा आपने बताया कि उनकी बुकिंग कैंसिलेशन किस बिहाफ पर आई, उन्होंने क्या रीज़न आपको दिया क्लाइंट? देखिए, मेरे क्लाइंट ने 5% का पैसा दिया था यानी स्पोर्ट्स पार्क में, उसके टोटल 4.5 लाख करीब 4,65,000 रुपये बने थे, वो उन्होंने थ्रू चेक पेमेंट किया था कंपनी को और उस वक्त क्लियर बताया गया था कि इनकेस अगर किसी भी वजह से लोन नहीं होता है तो ये पैसा पूरा पूरा रिफंड जाएगा क्लाइंट को। बिल्कुल, और ये चीज़ मैंने कम्युनिकेट की थी क्लाइंट को और उसके बाद इसी क्लाइंट ने फिर दिया। उसके बाद हमने जो भी पेपर वर्क थे सारे तैयार करके मैंने लोन के ऑफिस, वो लोन भी हमारा टाइप था इससे, हमारा एक बैंक है उस बैंक से पर्टिकुलरली, सारे नहीं उसको टाइप कर रखा था जी, वहाँ से फिर लोन रिजेक्ट हो गया मेरे और क्लाइंट को, मेरे क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन भी कहीं से नहीं आई कि ये लोन रिजेक्ट हो गया है। Okay. जब मैंने काफ़ी फॉलो अप किया तो काफ़ी दिन बाद पता चला कि वो तो इसलिए उसका कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, लोन रिजेक्ट हो गया। ओके, तो फिर जैसे ही लोन रिजेक्ट हुआ तो तकरीबन आपने बताया कि 5.5 लाख रुपये पे कर रखा था, तो कब करी होगी आपने बुकिंग, किस साल में बुकिंग हुई थी? लास्ट ईयर 2016 के जून में। जून में, यानी जून से, अब जून ही आ गया ऑलमोस्ट, तो 1 साल के बाद भी 4.5 लाख रुपए नहीं मिल पाए। तो धर्मेंद्र जी, वो कौन थे जिनकी आपने बुकिंग दी थी उस स्पोर्ट्स पार्क के अंदर? जगजीवन जी जो थे मेरे पुराने मित्र भी थे और जान पहचान के थे और उनका अच्छा खासा कोरियर का बिजनेस है, इन्होंने अपने अपने फादर के नाम से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा अपने, अगर आपके इतने प्रिय मित्र हैं तो उनसे मुलाकात करना उनके सामने। बिल्कुल, अब चक्कर ये है कि मैं वो मेरे कॉमन फ्रेंड्स बहुत लोगों को जानते हैं, काफ़ी लोगों से उनकी मेरे सर्किल में जान पहचान, अब हर कोई मुझे कह रहा है वो तो मांग ही रहे हैं अपना पैसा, बल्कि अब सारे मेरे मार्केट में इतना रेफरल खराब हो गया है कि सब तुमने उनके 5 लाख रुपये फंसवा दिए, फंसवा दिए हैं, कैसे करोगे, तो इससे मेरा मार्केट में मेरे खिलाफ भी बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। सर, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल तौर पे तो नुकसान हुआ है लेकिन एक मेंटल तौर पे भी हम कह सकते हैं परेशानियां काफी झेल, मेंटली भी काफी दिक्कत हो रही है। अब मैंने उसको जो उनको जो कम्युनिकेट किया था वो बात सच नहीं हो रही है ना, मैंने सीधा बोला था भाई अगर आपका पैसा अगर किसी वजह से अगर नहीं होता है लोन तो आपका पैसा रिफंड होगा, वो कह रहे हैं आपने बताया था अब कैसे रिफंड क्यों नहीं हो रहा है,
तो ये चीज बहुत ज्यादा मेरे लिए बुरा प्रभाव दे कर रही है। तो सर अभी मुश्किल आते होंगे काफी ज्यादा, किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं आपको लोगों से मिलने जुलने में कि अब आप? बिल्कुल, अब मैं तो जब कई पुराने लोगों से मिलता हूँ, सबसे उनसे मिलता हूँ तो एक ही बात, वो पैसा कैसे दिलाओगे, क्या करना चाहिए, मेरे से हमेशा एक ही बात पूछी जाती है क्या करना चाहिए। कभी क्योंकि कहता है कि केस फाइल करो, कभी ये करो, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। तो अब जाके मैं देखते हैं, आपके साथ कुछ फायदा हो जाए तो। निश्चिंत सर, रियलिटी मीडिया पूरी कोशिश करेगा आपकी मदद करने की। तो कोई ऑफर्स या कोई ऐसी चीज दी गई थी लुभावनी की कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए? नहीं नहीं, जब मैंने किया तो उस वक्त कोई इस तरह का ऑफर नहीं था ऐसा कोई। तो ब्रोकर्स के लिए कोई ऑफर रखा गया हो स्पोर्ट्स पार्क के अंदर? कमीशन था उसमें, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, कमीशन था बिल्कुल। तो यानी कि 2011 का प्रोजेक्ट 2015 में बेचने की कोशिश की गई, फिर 2016 में वापस उसे नाम बदलकर स्पोर्ट्स पार्क करने की कोशिश की गई, 2016 या 15 में उसे स्पोर्ट्स पार्क शायद कर दिया गया था जी। तो अब बात आती है कि पहले उस बुकिंग की, जिस बुकिंग को लेने के बाद उसका लोन अप्रूव नहीं होता है और सारे होम्स उसके पैसे वापस नहीं करता है ग्राहक के, अब बात आती है वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने की। अगर बात करें कि 2015 से ही लॉन्च प्रोजेक्ट है जैसा कि सारा होम्स दावा कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर 2 सालों के बाद भी अब जाके भूमि पूजन हुआ है 10 से 15 दिन पहले, कुछ था 15-20 महीना भर भी हो गया हुआ है एग्जैक्टली। तो अगर बात करें सारे होम्स के दावे की, तो उनके दावे के हिसाब से भी हालात बद से बदतर है। अब उन ग्राहकों का क्या होगा जिनसे लोन पास नहीं हो पाया है और उनका पैसा सारे होम्स के पास पिछले सालों से फंसा हुआ है, तकरीबन 1 से 1.5 साल से लोगों का 5 लाख 50 हजार, 1 लाख, न जाने कितने लाखों करोड़ों में ये पैसा फंसा हुआ है। ऐसे कुछ और एम्प्लॉय से हम बात करेंगे और सारे होम्स का सारा सच आपके सामने ला के रहेंगे।